वेलकम बैक टू दिस चैनल. दिस इज मी प्रियांशी. यू आर वाचिंग लर्न विद प्रियांशी. सो आज का जो वीडियो है वो है काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो हमारे लिए. आप लोगों ने पिछले एक साल से रिक्वेस्ट किया था ये वाला वीडियो, जो कि है ए टू जी रूटीन. हम लोग शूटिंग करेंगे सोच रहे थे, फिर पता नहीं क्या हो गया, फिर नहीं किया. तो आज हम लोग फाइनली ये वाला वीडियो शूट कर रहे हैं, जो कि है ए टू जेड रूटीन चैलेंज. मतलब आज मैं पूरे अल्फाबेटिक ऑर्डर में सारे काम करूंगी. ए के बाद बी से काम करूंगी, बी के बाद सी से काम करूँ, पूरा ऑर्डर में. ए बी सी डी तो आपको आता ही होगा ऑब्वियसली. तो हमारे इस लिस्ट में ए फॉर है अवेक. अभी तो मैं तो उठ चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:30. मेरा समर वेकेशन चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे आराम से उठ रही हूँ. बी फॉर है ब्रश. तो चलो हम लोग बी फॉर ब्रश करने चलते हैं. सो अभी हमारा टाइम है बी से हमारा ब्रश करने का. तो ये रहा मेरा ब्रश. चलो ब्रश करते हैं. हमारा बी फॉर ब्रश भी हो गया है कंप्लीट. स्टार्टिंग के दो चीजें जैसे हमारा डेली होता है वैसे ऑर्डर में वो है, अवेक और ब्रश. एंड उसके बाद है क्लीनिंग रूम. चलो मैं अब आपको मेरा रूम दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही साफ सुथरा है. चलो अरे वाह, आज तो साफ सुथरा थोड़ा है. ये मम्मी का टेबल साफ सुथरा नहीं है. माना कि ये मेरा टेबल नहीं है और मेरा इससे कुछ काम धाम नहीं है. अच्छा तुम लैपटॉप नहीं लेते हो? हाँ मैं लेती हूँ, लेकिन ये मेरे रूम के अंदर है तो इसलिए मुझे. और ये ड्रेसिंग टेबल को देखिए जरा, आइए कितना गंदा है. आधी चीजें इसके जगह में नहीं है, तो ये पहले क्लीनिंग में मुझे ठीक करना है. ये बेड में मेरे बैग्स भी हैं, जो कि यूजुअली यहीं रहते हैं. ये उनका जगह है मेरे रूम में, उनको थोड़ा सीधा कर लेते हैं. ये है मेरा आज का आउटफिट, जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा था. तो ये तो अभी हम लोग करने नहीं वाले, ये हमारा कोई और लेटर में हम लोग करेंगे, वो आगे आगे आप सभी को पता चलेगा. बेकार की बातें. लोग लैपटॉप ऐसे ब्लैंकेट लगा लेते हैं. A for awake, B for brush, C for cleaning room. अभी D. D for है drinking water. चलो हम लोग पानी पीते हैं. So हमारा D for drinking water हो चुका है. Next है हमारा E for exercise. और मैं exercise के लिए कोई कपड़े चेंज नहीं करने वाली हूँ, मैंने ये पजामा ही पहना है. और अगर स्वेट हुआ तो इसको हम लोग वैसे भी धोने वाले हैं आज. तो चलो लेट्स डू एक्सरसाइज. एट नाइन अच्छी तरीके से पुशअप नहीं कर रहा. ये मैट बहुत स्लिपरी है. सो हमारा एफ फॉर है फिलिंग बॉटल्स. और गर्मी का समय है तो बॉटल भरना तो हम कभी छोटे बच्चों हो? हाँ कभी. कब भरे हो? अभी चैलेंज कर रही है इसीलिए भर रही है, नहीं तो कभी नहीं भरती है. अपना बॉटल खाली भर लेती है. घर का पूरा बॉटल कौन भरेगा भाई? जल्दी भर, मेरा पेशेंस कम है. मुझे बहुत पसीना आ रहा है और इसके बाद ही हमारा गेटिंग रेडी है. तो गेटिंग रेडी में मैं नहाऊंगी एंड ऑल काम करूंगी. मुझे नहाने जाना है जल्दी. गुड. तो तुम जी लेटर के लिए इंतजार कर रही थी? हाँ मैं जी लेटर के लिए इंतजार कर रही थी. मैं जैसी दिख रही हूँ बहुत अजीब दिख रही हूँ. ये रहा एक बॉटल भर गया, मैं चाह रही हूँ और एक. और इसको फ्रिज में भी भरना है. और कुछ नहीं है. नहीं है ना बर्तन धोने का काम, वो आगे है. वो तो धो चुका है. अच्छे से भरो. हाँ अच्छे से ही भरा. उसके बाद है गेटिंग रेडी. तो मैं आप लोगों को मिलूंगी रेडी होने के बाद. आई एम रेडी.
ट्रांजिशन कैसा लगा कमेंट करना, रेटेड आउट ऑफ 10। तो ये है मेरा आज का लुक, मैंने ब्लू और ब्लैक कलर का पहना, और देखो मेरे इयर रिंग्स मेरे शर्ट के साथ मैचिंग मैचिंग करें, है ना, अच्छा दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है ना। तो अभी मैं करने वाली हूँ एच फॉर होमवर्क, क्योंकि हमारा जी फॉर गेटिंग रेडी हो चुका है, नाउ इट्स टाइम फॉर एच फॉर होमवर्क। तो मेरा ट्यूशन का होमवर्क बाकी है, स्कूल का हॉलीडे होमवर्क भी थोड़ा सा बाकी है। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। सो आई फॉर आइसक्रीम है हमारे पास, और जे फॉर जूस है। पहले हम लोग हमारा आइसक्रीम खाते हैं, बिकॉज हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर रहे हैं। यह है मेरा फेवरेट आइसक्रीम ओरियो कॉर्नेटो, नॉट स्पॉन्सर्ड। बेकार की बाटियन #2, पागल बच्ची चुप हो जा। तो अभी टाइम है जूस पीने का, आई फॉर आइसक्रीम हो गया, जे फॉर जूस। तो हमारे पास है मैंगो जूस, लेकिन हर एक जूस तो जूस होता है ना। One eternity later. अभी हम हमारा है के फॉर काइंडनेस, और बाहर बहुत जोरों की धूप हो रही है, और इतनी धूप में जो पपीज को मैं खाना देती हूँ वो लोग नहीं निकले होंगे, फिर उनको खाना देना भी मुश्किल हो जाएगा, इतने जोर की धूप है, सनस्ट्रोक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग के फॉर काइंडनेस में मेरे घर के एक सदस्य को खाना दे, वो हमेशा ऐसे करते हैं जब मैं उसके पास आती हूँ, खाना मांगती है, है ना। तो मैं उसको ऐसे देती हूँ, इसको वो चबाती है, ये देखो अभी तो इसमें है नहीं, फिर भी वो आ गई उसके पास खाना समझ के, इसको ऐसे थोड़ा सा उसका खाना इसके चारों तरफ ऐसे लगा देना, चली गई, ये रहा खाना, खा लो। वो खाती है, और जैसे खाती ना पता नहीं चलता, आऊ 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 करके खा रही है, टेस्टी लग रहा है नहीं वो। लंच फॉर है हमारा लंच। तो ऐसे मैं बात करी जैसे मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी खाना खाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्या करूँ, लेकिन एक्चुअल मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। नहीं फेंकेंगे इसको, रखे रहेंगे। हमारा ये वाला पेज पूरा हो गया। एल से लंच तो होता है, लेकिन एल से एक और चीज़ होता है, जो कि है लाइक। और अगर आप लोग ये वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो फिर मेरा चैलेंज अधूरा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो और अपना चैलेंज का पार्ट पूरा करो, और तब तक मैं मेरा एल से लंच कर लेती हूँ। हेलो मेलो एवरीबॉडी, सो हमारा एल फॉर लंच हो चुका है, उसके बाद है एम, एम फॉर म्यूजिक। तो मैं अभी सुनने वाली हूँ कुछ टाइम के लिए म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक सुनने से आपको खुशी मिलती है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे खुशी मिले। कोई है खुशी? मैंने प्लेलिस्ट बनाया था, ये वाला गाना सुन रही हूँ मैं, Now I'm crying in my room, so skeptical of Next. But still I want it more. I gave a second chance to Cupid. So and for music ke baad ab nyum 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 nyum. And for nap, good night. Oh, thandi lag rahi hai tab se chal raha. Main to so rahi hu and for nap. A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and X N की बात क्या आता है? O मैं आप लोगों से मैं आप लोगों को मिलती हूँ लेटर O में, और अभी के लिए मैं मेरा नैप ले रही हूँ। कितने घंटे के लिए नैप है? एक या हाफ एन आवर? हाफ एन आवर, 20 मिनट्स यूजुअली मैं नैप लेती हूँ, और उससे ज़्यादा मेरे से टायर्ड लगता है, तो अभी के लिए मैं सो रही हूँ। तो दोस्तों मैं नैप से उठ चुकी हूँ, और हमारा एन फॉर नैप के बाद है ओ फॉर ओरियो। तो ओरियो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं बाद में स्नैक्स करूँगी और दो चार अल्फाबेट्स के बाद, तो इसलिए मैं एक ही ओरियो खाने वाली हूँ जिसके अंदर वाइट कलर का फिलिंग हो, क्योंकि ब्राउन और वाइट कलर का फिलिंग वाला ओरियो मम्मी ने मिक्स करके रख दिया है। सो लेटर
ओ के बाद है लेटर पी एंड लेटर पी फॉर प्रेयर. सो अभी है हमारा नेक्स्ट लेटर क्यू की बारी एंड क्यू फॉर है क्वेश्चन. आप लोग मुझे हमेशा जब भी हम लाइव आते क्वेश्चन पूछते हो कमेंट सेक्शन में बोलते हो क्यू एन ए इतने सारे क्वेश्चन. ऑलरेडी मैं बुक के क्वेश्चन से परेशान हूँ. कोई बात नहीं, अभी मेरी बारी है. मैं आप लोगों से आज एक क्वेश्चन पूछूंगी. आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, ये है मेरा क्वेश्चन. और कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताना, और अगर नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब गाइस, इट्स फ्री. आर फॉर है रीडिंग बुक. तो मैं ज़्यादा टाइम बुक नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अभी ऑलरेडी हो चुका है 5:45 और थोड़ी देर में ही मेरा ट्यूशन है. तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट बुक निकाल लेती हूँ, ये वाला मैंने पढ़ लिया था. सो आर फॉर रीडिंग बुक हो चुका है कंप्लीट एंड अभी बारी है हमारे नेक्स्ट लेटर की, एस फॉर सब्सक्राइब. अरे सो हमारा सारा अभी तक हो चुका है. पी फॉर प्रेयर, क्यू फॉर क्वेश्चन, आर फॉर रीडिंग बुक, एस फॉर स्नैक्स एंड अभी टाइम है टी फॉर ट्यूशन. तो मेरा ट्यूशन में टेस्ट है, टी फॉर टेस्ट भी. मैं ट्यूशन जाके टेस्ट दे कर आऊँगी. वाह नाइस. तो अभी मैं निकलने वाली हूँ ट्यूशन के लिए. मैं यूजुअली थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लेट जाना पसंद नहीं है और मैं इतनी अच्छी बच्ची हूँ. आप लोगों को तो पता नहीं कितनी अच्छी बच्ची हूँ. तो हमारा इस लेटर का स्लाइस अभी भी यहाँ है लेकिन हम वापस नहीं जाने वाले. अभी मैं थोड़ा टाइम रुकूंगी और जब 6 o'clock होगा मैं ट्यूशन के लिए निकल जाऊँ. One eternity later. Hello everybody. So, मैं वापस आ चुकी हूँ ट्यूशन से और अभी जो टाइम है वो हो रहा है 9:30 एंड टी फॉर ट्यूशन तो हमारा कंप्लीट हो गया. यू फॉर है यूटेंसिल क्लीनिंग, मतलब बर्तन धोना. और मम्मी ने डाला होगा 2-4 बर्तन, तो चलो वो धो के आ जाते हैं. ज़्यादा बर्तन नहीं डाली ना मम्मी. तो ये सारे जो बर्तन हैं ये धुले हुए हैं, तो चलो जो हमारे बर्तन नहीं धुले हुए उनको धो लेते हैं. मैं यूजुअली बर्तन नहीं धोती हूँ, जब मतलब मम्मी का तबीयत पहले खराब होता था तब धोती थी, अभी तो नहीं धो पा रही हूँ. हो गया साफ दिख रहा है, साफ है अभी. सो यू फॉर यूटेंसिल क्लीनिंग तो खत्म हो गया, मैंने मेरा हाथ भी धो लिया. अभी है हमारा टाइम वी से वीडियो. मैं अभी तो वीडियो ऑलरेडी बना रही हूँ तो हमारा वी से वीडियो तो हो ही रहा है. उसके बाद हमारे पास डब्ल्यू फॉर वाटरिंग प्लांट्स. इतनी रात को मैं जाने वाली हूँ प्लांट्स को पानी देने, तो चलो चलते हैं. सो यहाँ हम लोग कर रहे हैं हमारा W फॉर वाटरिंग प्लांट्स, क्योंकि अभी गर्मी का दिन है तो प्लांट्स को भी ज़्यादा पानी चाहिए जैसे हम लोगों को पानी चाहिए, तो इनको भी पानी दे देना चाहिए. रात को देरी हो गए क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर रहे हैं. उधर भी सबको पानी मिलो, सारे पानी पी सकते हो, आराम से पियो. सो हमारा वाटर मैंने दे दिया है प्लांट्स को एंड अभी टाइम है हमारा एक्स फॉर ज़ाइलोफोन. मेरे पास एक्चुअल ज़ाइलोफोन नहीं है तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया जिसमें ज़ाइलोफोन है. ज़ाइलोफोन तो चलो बजाते. मुझे एक ही ट्यून आता है ज़ाइलोफोन में, वो है डोरेमी. और दो ट्यून आते हैं, डोरेमी और एक हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे मुझे आधा आता है. चलो देखते हैं मैं क्या क्या बजा सकती हूँ. इनके साथ जो अगर किसी का बर्थडे हो तो हैप्पी बर्थडे टू यू. जिसका अगर किसी का बर्थडे है और वो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी के फ्रेंड का बर्थडे कुछ भी है तो उनको मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे विश कर लेना. एक्सपर्ट टेलीफोन भी हो गया. अभी हमारे लास्ट के 2 लेटर्स बचे हैं जिसके लिए पहले मुझे चेंज करना होगा मेरे पजामास में. सो मैंने मेरे पजामास में चेंज कर लिया है.
वो क्या था, वो था यौन, मतलब उबासी मारना, और वाई फॉर यौन होता है, तो हमारा वायलेट अभी कंप्लीट हो गया। अभी जेड फॉर होता है, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। जेड फॉर स्लीप नहीं होता, लेकिन जेड फॉर ये जरूर होता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी सोने। और आज का पूरा दिन मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में बिता बिता के थक गई, और कल से मैंने नॉर्मल रूटीन में फॉलो करूँगी। बीच में कुछ आइसक्रीम खाई जो मैं खुश हूँ, बाकी ठीक है। अच्छा था चैलेंज। तो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने वीडियो लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आपके जो छोटे छोटे से लाइक्स होते हैं वो हमें बहुत खुश कर देते हैं। सो कीप सपोर्टिंग मी गाइज, एंड बाय गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी है यहाँ। एंड बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक ले ठीक है, एंड बाय बाय, गुड नाइट। मैं जा रही हूँ करने।